देखिए, हम लोग आपको दिखाएंगे कि नवरात्रि में माता रानी को एक दिन विसर्जन नहीं किया जाता और ऐसे पत्ते चढ़ाए जाते हैं जो जो कि मैं भी नहीं जानता, मेरी मम्माएं भी नहीं जानती। तो जय माता दी फ्रेंड। तो फ्रेंड आज है दशहरे का दिन का वीडियो है ये, तो दिन का नहीं, मेरे रात का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही थी कि लोग कैसे मनाते हैं दशहरा यहाँ पे। तो गाइज क्या रहता है यहाँ पे, जैसे हम लोग के इधर MP UP साइड कजलैया मनाते हैं और एक दूसरे के हाथ में कजलैया दे के और एक दूसरे को नमस्ते प्रणाम कुछ भी ऐसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है भगवान को भी हम लोग चढ़ाते हैं, तो ऐसे यहाँ के लोग ऐसे एक पत्ता होता है तो एक दूसरे को भी देते हैं, भगवान को सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं, इसके बाद एक दूसरे को देख के नमस्ते प्रणाम जो भी है करते हैं। तो ये देखिए ये पत्ता, ये मैं आपको पास से दिखा रही थोड़ा, तो ये पत्ते बोरी में भरा गया है, फिर माता रानी को चढ़ाया जाएगा और इसके एक दिन बाद यहाँ पे होगा विसर्जन। और मैं थोड़ा सा विसर्जन का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट डे का। तो ये दशहरे के दिन का वीडियो है। और जैसे हम लोग इधर विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ी अपना सब कुछ धोते हैं, जो कुछ भी है लोहे का सामान साफ़ करते हैं, तो इन लोग आज के दिन यहाँ पे अपनी गाड़ियों को साफ एकदम चमका के बढ़िया फूल उल लगा के करते हैं। तो ऐसा रहता है यहाँ का दशहरा। और दशहरे के दिन यहाँ पर रावण दहन नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं वो होता है, स्पेशली ऐसा नहीं है, मेन ग्राउंड में जैसे मतलब बड़े बड़े लीडर या नेता लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे दशहरे के दिन सबसे मेन ये ऐसे मनाया जाता है और बहुत अच्छे से सब लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं दशहरा। तो जैसे हम लोग इधर दशहरा क्या होता है कि नीलकंठ देखना होता है, ऐसा शुभ माना जाता है, पान खाया जाता है हमारे MP साइड, बट यहाँ पे दूसरी तरह मनाया जाता है। तो दिखा रही हूँ मैं आपको, तो ऐसा था यहाँ का दशहरा। और ये थोड़ा बहुत मार्केट लगा हुआ था, जैसे कि मैंने डेली आपके अपने वीडियो में शेयर करती थी आप लोग के साथ कि क्या कैसा है, और गरबा भी शेयर करती थी। तो गाइस अभी यहाँ से मेला जो लगा था, मैं आपको एक बात बता चाहता हूँ कि यहाँ पे लास्ट में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, माता रानी क्यों जा रही है मेरे अथर को अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस यहाँ पे मेला वाला अभी निकल चुका है, गरबा का भी जो सेटअप था वो निकल चुका है, बट बहुत से लोग ऐसे थे कि एक्साइटेड थे गरबा करने के लिए, तो किए। और ये दशहरे के दिन का वीडियो है और नेक्स्ट डे फिर भंडारा है और इवनिंग में विसर्जन है। तो चलिए गाइस दिखाते हैं और वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जय माता दी फ्रेंड। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे पंडाल और आज है यहाँ पे भंडारा माता रानी जी का, तो यहाँ पे है। और गाइस बहुत अच्छे से हर फंक्शन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ भी हो, नवरात्रि हो, गणपति हो, हनुमान जी की जयंती हो, और मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और देखिए इसके बाद 17 तारीख से बैठेंगे हमारे यहाँ शारदा माता, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस आज है माता रानी का लास्ट दिन भी बोल सकते हैं,
यहाँ से और आज है माता रानी की विदाई शाम को। तो यहाँ पे अभी भंडारा होने के बाद है माता रानी की शाम की विदाई, उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही धूप थी, बहुत ही ज़्यादा धूप थी, हम सबका पसीना बहुत टपक रहा था। तो गाइस आज अथर्व जग रहा है, तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वो भी पीछे से एडिट कर रहा है। तो चलिए गाइस अभी मैं फिर शाम का आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं शाम को नहीं आया था क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी थी ना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रात का है। फ्रेंड्स ये माता रानी के विसर्जन का वीडियो है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कितना सोना सोना सा लगने लगा है पंडाल जब माता रानी जा रही है। फ्रेंड्स हाँ देखिए जिस तरह से एक बेटी विदाई होती है इसी तरह आज माता रानी की विदाई हो रही है यहाँ से बड़े धूमधाम से। और माता रानी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जल्दी आए अगले साल, और क्या पता हम अगले साल यहाँ का वीडियो आपके साथ शेयर कर पाएँ कि नहीं, क्योंकि हम लोग को कोई भरोसा नहीं कि ट्रांसफ़र हो जाए तो हम लोग फिर नई जगह जाएंगे वहाँ का हम नवरात्रि का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस चलिए आज यहाँ तक मैं अपना एंड करती हूँ अपना, और आगे का वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे धूमधाम से माता रानी की विदाई की गई यहाँ पे नागपुर में।